इस कार्यक्रम में धूप के रहते हुए आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। हम तो यहां बराबर आते रहे, जब सरकार बनी 2005 में 30 साल तक लोगों को 15 साल तक काम करने का मौका मिला था पति पत्नी राज। उसके बाद जब लोगों ने देखा कि बिहार का बुरा हाल है, चाहे वो अपराध के आंकड़े हो, चाहे नरसंहार हो, चाहे सांप्रदायिक दंगा हो, चाहे अपहरण हो, हर तरह से लोग परेशान थे। और 2005 में हम लोगों को नवंबर महीने में बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया। और जब काम करने का मौका दिया तो हमने क्या कहा था, एक ही बात कहा था अपने न्याय यात्रा में, चुनाव के पहले न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चलेंगे। और न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। जो किनारे पर हैं, हाशिए पर हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल। तो ये सब काम तो हमने शुरू ही किया। और उसी में जो नक्सल गतिविधि थी उसको बताइए, जो काम हम लोगों ने शुरू किया सकारात्मक काम उन गतिविधियों को घटाने के लिए, तो यहीं से ना हम शुरू किया, दासो बाबू की धरती से, यहीं से आपके धरती से हमने 21 जनवरी 2006, जो हमको याद है, सब दिन याद रहेगा, हम यहीं से आकर के आपकी सरकार आपके द्वार वाला काम शुरू कराए। और कैसा काम हुआ, लोगों को कल्पना नहीं थी कि इतना सारा काम होगा। और यहां पर जितने तरह का प्रशिक्षण दिया गया, कितने लोग यहां का प्रशिक्षण लेकर के दूसरी जगह काम करने लगे, दूसरे राज्यों में लोगों को कितना काम मिला, एक एक बात हम जानते हैं। और जब बिहार में हमने ऐसे जगहों को चिन्हित करके 62-63 जगह हमने काम किया था, उसके बाद उस समय की केंद्र सरकार ने अपनी योजना शुरू की, वो बात की चीज है, लेकिन सबसे पहले हमने यहीं से शुरू किया था। तो हमारा तो आपके साथ जो संबंध है वो ऐसा संबंध है कि हम आपके बीच में आ जाते। अब आपका भी काम है भाई कि ध्यान रखिए, भूलिएगा मत कि हम भी आपके हैं, इसलिए हम आपके बीच में आए भाई अपने उम्मीदवार के लिए। और जो कृष्णनंदन वर्मा जी हैं, इनको जिताने के लिए कितना काम करते हैं, जब से ये मंत्री हम इनको इसी कार्यकाल में रहे हैं, अलग अलग विभागों को, अब तो शिक्षा विभाग देख रहे हैं, सब काम किया कि नहीं किया साहब, हम लोगों ने कितना काम किया है। और इनके पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं हमारे अशोक चौधरी जी, जो कांग्रेस छोड़ करके हम लोगों के साथ आ गए और अब हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो ये दोनों जो आपके पास बैठे हुए हैं, इस कार्यकाल का दोनों शिक्षा मंत्री यहीं पर बैठे हुए हैं, आ कितना काम किया गया, कोई क्षेत्र हम लोग छोड़े हैं, कैसा बिल्डिंग बन रहा। तो हर तरह से और पूरे बिहार में किसी इलाके की उपेक्षा हम लोगों ने नहीं किए। अपराध को कितना नियंत्रित किया गया, अब हालत यह है कि अपराध के मामले में बिहार का नंबर देश में 23वां पहुंच गया। अब आप सोच सकते हैं आमदनी कितनी बढ़ी, विकास का कितना काम हुआ, हर साल 12.8% के दर से वृद्धि हो रही है राज्य के आय में। और प्रति व्यक्ति आय में जो आबादी हमारी बढ़ती जाती है, इसको इसके कारण 10.5% की वृद्धि। तो हर क्षेत्र में काम, अपराध के नियंत्रण में काम, विकास का काम, और जो किनारे पर थे, हाशिए पर थे, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो हम लोगों ने काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए काम किया, अति पिछड़े वर्ग के लिए काम किया, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काम किया। और आपको पता है शिक्षा के क्षेत्र में जैसे हमने आपकी सरकार आपके द्वार यहां शुरू किया, और जरा शिक्षा के क्षेत्र में हमने पता किया, आगे नहीं मिडिल स्कूल और हाई स्कूल उसके लिए तो हमने काम किया ही, लड़कियों के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना, फिर पहला क्लास से लेकर के 12वां क्लास तक पोशाक योजना,
लड़कियों के लिए साइकिल योजना, कितना उत्साह बढ़ा, दो साल के बाद लड़कों के लिए भी शुरू कर दिया, ये सब तो किया ही। लड़का लड़की की संख्या बराबर हो गई, और इस बार तो जो परीक्षा थी मैट्रिक की उसमें लड़की थोड़ा लड़कों से भी ज्यादा अपीयर हुई। अब आप सोच सकते हैं कि क्या परिवर्तन आया है। और उसी तरह से प्राथमिक विद्यालय में, ये तो इन लोगों का मामला था मिडिल स्कूल का और हाई स्कूल का, प्राथमिक विद्यालय में, प्राइमरी स्कूल में जो हमने आकलन कराया कि भाई 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर रह जाते हैं बच्चे और बच्चियां, तो हमने कहा आखिर ये कौन लोग हैं, तब उसका अध्ययन करके पता करवाया कि वे सबसे ज्यादा महादलित समुदाय के हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। तो उनको फिर स्कूल तक पहुंचाने के लिए जो टोला सेवक और तालीमी मरकज स्वयं सेवक का काम शुरू किया, 30,000 लोगों को लगाया और उनको 60 साल के जीवन तक का काम दे दिया, सौंप दिया। अब सब स्कूल जाने लगे, अब स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चे बच्चियों की संख्या अब न के बराबर है, 0.5% से कम, 0.5% से भी कम। तो इस सब चीज तो किया, सब गांव को सड़क से जोड़ने का कौन सा काम, कितना पुल पुलिया, हर एक चीज, अस्पताल, सब काम किया। लेकिन अब इस बार जो 5 साल का मौका मिला फिर, तो हमने 7 निश्चय की बात कही। और क्या किया उसमें, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में महिला आईटीआई और हर जिला में जीएनएम संस्थान, हर एक अनुमंडल में एएनएम संस्थान और आईटीआई की स्थापना, ये लगभग सब जगह शुरू हो गया, कई जगह नए भवन का निर्माण हो गया। ये सब काम हम लोगों ने किया। और जो गरीबी के कारण आगे नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए जो हम लोगों ने करना शुरू किया कि कोई अगर इंटर के आगे 12वीं कक्षा के आगे पढ़ेगा उसको हम लोगों ने मदद देना शुरू किया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, 4 लाख रुपए तक की मदद, काफी संख्या में लोगों ने इसका मदद लिया है। और उसके बाद जो अगर आगे नहीं पढ़ना चाहता लेकिन कोई काम की तलाश में घर के से बाहर जाता है उनको 2 साल तक प्रति माह 1,000 रुपए की मदद, और उसके अलावे लोग काम कोई करना चाहता है, ज्यादा पढ़ा नहीं है, उसको अगर कंप्यूटर पर काम नहीं आएगा तो कोई काम नहीं मिलेगा, इसलिए कुशल युवा कार्यक्रम करके इसका काम शुरू कराया। उसके साथ उनको व्यवहार कौशल, संवाद कौशल, ये सब सिखवाया। 10 लाख से ज्यादा युवक युवतियों ने इसकी ट्रेनिंग ली, ये सब काम किए। हर लड़की को 35% का आरक्षण, जो हमने पंचायती राज संस्था नगर निकायों में 50% का आरक्षण महिलाओं के लिए किया, और इस बार किया 35% का आरक्षण सरकारी सेवा में, पुलिस बल में। पहले कोई पुलिस बल में महिलाएं दिखती थी, अब आप जहां जाइए सब जगह पुलिस बल में महिलाएं दिखती है। अब बिहार के पुलिस बल में जितनी महिलाएं हैं अब शायद ही किसी राज्य में उतनी महिलाएं। तो ये सब काम हम करवाएं, जो कहा उसको करते गए। और उसका क्या कहा, हर घर बिजली पहुंचाएंगे। अब पहले जो राज मिला था पति पत्नी का राज 15 साल, क्या हाल था बिजली का, गांव को तो छोड़ दीजिए, शहर में भी बिजली की स्थिति खराब। पूरे बिहार का बिजली का खपत मात्र 700 मेगावाट, हमने कहा हर घर बिजली पहुंचाएंगे। 18 के दिसंबर का लक्ष्य पहुंचा दिया अक्टूबर महीने तक, अब सब घर में बिजली पहुंच गया, उसके बाद तो और लोग अपना बिजली ले रहे हैं। तो आप जरा बताइए, पहले 700 मेगावाट अब 6000 मेगावाट। फिर कहा हर घर नल का जल, 83% काम पूरा हो गया, महीना दो महीना में बाकी काम भी पूरा। हर घर शौचालय देश भर की योजना, अपने आप ही काम लगभग पूरा। और पक्की गली और नाली का निर्माण हर गांव में, यह भी काम लगभग पूरा होने के करीब। तो जो कहा 7 निश्चय वो सब काम किया। तो विकास का काम, अपराध पर नियंत्रण का काम, और शुरू से हम एक ही बात लोगों को कहते आए हैं कि देखिए आपस में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल रखिए। तो जिस तरह से पहले दंगा फसाद भी होता था कितनी कमी आई, हमने किस तरह से एकता करने का माहौल किया।
और पहले लोगों को राज करने का मौका मिला, वोट वगैरह लेते रहते, लेकिन काम क्या किया? हम वोट के बारे में नहीं सोचते हैं, और लोगों के लिए पति पत्नी बेटा बेटी एक परिवार, मेरे लिए पूरा बिहार एक परिवार है और सबकी खिदमत में काम करते। और आगे अब मौका दे दीजिएगा तो हम यही एक बात कहने आए हैं संक्षेप में कि अब अगर आगे मौका दीजिएगा, हर घर बिजली पहुंचा दिया, अब हर गांव में अगली बार हम सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, मतलब पूरे गांव में सोलर लाइट हम लगवा देंगे। रात में अपना बिजली बंद कीजिएगा, पूरे गांव में जो सोलर लाइट रहेगा उससे आपको उजाला रहेगा। ये काम हम आगे करवाएंगे, अब मौका दीजिएगा, अगली बार अब ये होगा जिसकी कल्पना लोग नहीं करते हैं, वो सब काम करवाएंगे। और उसके बाद जान लीजिए हर क्षेत्र में काम, युवाओं के लिए और काम, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अब सिर्फ कंप्यूटर पर काम करना सीखने से काम नहीं चलेगा, नई तकनीकी चीजों का ट्रेनिंग करवाएंगे ताकि सबको काम मिले, दूसरे जगह जाने की मजबूरी ना हो और यहां पर और लोगों को भी काम मिले, बाहर के लोगों को भी काम, और यहां पर इतना उत्पादन होगा कि बाहर से कुछ माल नहीं मंगाना पड़ेगा, यहीं का उत्पादक बाहर जाएगा। तो देखिए एक एक चीज हम लोगों को दीजिएगा, फिर हर गांव में बता देते हैं और शहर में साफ सफाई का काम करेंगे। अब जितना काम करवा दिया है, चाहे नल का जल हो, गली नाली हो, हर चीज का देखभाल कराएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ दे दिया और कल होकर के वो खराब हो गया, ये नहीं होने देंगे, ये सब का देखभाल हम लोग कराएंगे। तो एक एक काम ये सब करेंगे और गांव तक सड़क पहुंचा दिया, अब अगली बार मौका दीजिएगा तो अब इसके बाद कई गांवों को आपस में जोड़ते हुए मुख्य सड़क पहुंचाने के लिए और महत्वपूर्ण जगह पहुंचाने के लिए भी नया सड़क बनाएंगे, और शहर का और बाजार का जो सड़क है उसमें बाईपास बनवाएंगे, और जहां बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा वहां ऊंचा सड़क फ्लाईओवर बनवा देंगे। ये सब काम हम करेंगे, जब मौका दीजिएगा तो ये सब करेंगे। और लड़कियों के बारे में हम बता देते हैं कि अभी इंटर पास करती है तो 10,000 रुपया और ग्रेजुएट हो जाती है तो 25,000 रुपया, अब अगली बार सरकार बनवाइएगा तो इंटर पास करने वाली लड़की को देंगे 25,000 रुपया और ग्रेजुएट हो जाने पर उसको देंगे 50,000 रुपया। कि हमारा मकसद क्या है, लड़का और लड़की सब में आत्मविश्वास का भाव आए और स्त्री और पुरुष मिलकर के काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा, और बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। हम यही आप सब लोगों से कहने आए हैं कि जो भी काम करने का मौका मिला काम किया, कुछ लोग तो बयानबाजी करता है, मजा आता है उनको बयान देने से, हमको उससे कोई चिंता नहीं रहती है, हमको तो हंसी आती रहती है कि जिसको कख गघ का ज्ञान नहीं है वो कहेगा कि आगे हम क्या करेंगे, अरे कौन काम कैसे काम, यहां पर जो एक एक काम किया। तो इसलिए हम आप सबसे यही निवेदन करेंगे कि हम काम करते रहें, और जैसा हमने कहा पूरा प्रदेश एक परिवार है और सबकी सेवा करना, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम करना, यही काम जारी रखेंगे और बिहार को और आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आप सबसे यही निवेदन है कि इस बार भी आप जितवाइए, और कृष्णनंदन वर्मा जी तो काम करने वाले आदमी न है जी, आप कितना बढ़िया उर्दू में सब बात बोलते हैं, आप बताइए, कुछ लोग प्रचार कर दिया कि उर्दूए कोई खत्म कर रहे हैं, हम उर्दू को खत्म कर रहे हैं कि उर्दू को और ज्यादा बढ़वा रहे, उर्दू सबको पढ़ने के लिए मिडिल स्कूल में शिक्षक की बहाली ये सब करके कि सब पढ़े, और जब पढ़ेगा उर्दू का भी ज्ञान होगा तो सबकी भाषा कितनी अच्छी हो जाएगी और आगे बढ़ेगा ये जान लीजिए। इसलिए हम लोग तो सबको मिलकर के एक साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कृष्णनंदन वर्मा जी ये सब काम करने में बड़ा समझदार व्यक्ति हैं, इसलिए हम आप सब लोगों से अपील करेंगे, और इन्हीं की इच्छा थी कि इस बार हम यहीं से लड़ेंगे, हमके जहां से आपको लड़ने का मन हो हम लोगों को वहीं से लड़ाने की इच्छा होगी, तो अब ये लड़े हैं और सब लोग साथ, अभिराम शर्मा जी भी आ गए भाई, हमारे पुराने विधायक यही थे, पिछला बार बाई इलेक्शन भी लड़े थे,
लेकिन अब इस बार नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी के लिए और इनको जिताने के लिए यहां पर आ गए। तो आप समझ लीजिए हम लोग सब एकजुट हैं और एकजुट होकर के आपका सहयोग मिलेगा तो हम लोग और आगे बिहार को ले जाएंगे, यही आपसे निवेदन करने आए हैं। तो क्या उम्मीद करके जाएं, जिताइएगा ना जी कृष्णनंदन वर्मा जी को, हाथ उठा के बताइए, जिताइएगा ना, तो इनको हम जीत का माला पहना दें, हाथ उठा के बता दीजिए, पहना दें। तो आपकी सहमति से हम जीत का माला पहना दिए और एक एक वोट, 28 तारीख को वोट है, तीर के छाप के बगल का बटन दबा करके भारी मोहम्मद से विजयी बनाइएगा। और आपने आश्वस्त किया, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपकी इस धरती का नमन करता हूं और आप सबसे अब इजाजत लेकर के अगला कार्यक्रम मसौढ़ी में है, वहां जाने की हम मनोपत लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।